यहाँ पर ठहरे हुए थे एक जगह एंड वी गॉट वन स्टिक इंसेक्ट. ये मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है. बहुत सुंदर वादियाँ और मैं आपको मिलाता हूँ एक जीव से जिसको ऑफन लोग जानते भी नहीं है, उनको पता भी नहीं होता ये रेप्टाइल हमारे भारत में मिलता है. तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल. मैं हूँ आकाश विमल. हाउ यू गाइस डूइंग? आई एम बैक विद अनदर वीडियो. और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपके डॉग्स कहाँ हैं सारे, बहुत टाइम से आपने सबको नहीं दिखाया. सो आई विल शो देम टू यू. मैं आपको मिलाता हूँ उनसे, बहुत टाइम हो गया है. ये है हमारी मैडम अलास्का. थोड़ी सी मोटी हो गई है क्योंकि इसको स्पे कराया था हमने, न्यूटर कराया था, तो उसके बाद थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है. और इसको ये अपने लीश बहुत पसंद है तो इसको पहन के ही घूमती रहती है. और ये लोग तब से यहाँ पर मज़े मार रहे हैं. साया इधर आओ, कम ऑन साया, साया आज 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 इधर आओ साया. ये भाई साहब यहाँ पर ढूंढने में ही लगे रहते हैं. और ये हैं हमारे साया भाई साहब, जिनको बस एक जगह टिकना समझ में ही नहीं आ पाता. स्नोई हमारी अंदर है, मैं आपको स्नोई के पास लेकर चलता हूँ. अच्छा नहीं, स्नोई यहाँ पर बाहर घूम रही है. तो अभी ये वो वाली जगह है जो कि अभी स्टार्टिंग है ये हर चीज़ की. हमें यहाँ पर बहुत सारी प्लांटेशन और वो सब करने हैं अभी. और ये रही हमारी स्नोई मैडम, काफ़ी अच्छी है. इसके दांत जा चुके हैं, अगर हम पास से क्लोज अप ले पाए. इसके दांत ही नहीं है, मतलब घिस चुके हैं बिकॉज ऑफ आवर एज, बट शी इज़ डूइंग गुड, काफ़ी सही है. और ये यहाँ पर चिल करती रहती है, थोड़ा सा वेट गेन हो गया है. But it's gonna be okay. अभी तक तो ये काफ़ी सही है. सो यू नो, अभी कुछ टाइम पहले आई वॉज इन उत्तराखंड और वहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. हमने काफ़ी सारी रेयर स्पीशीज़ को देखा और वाइल्ड लाइफ के बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखने से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है. तो मैं वहाँ पर था और सिग्नल्स भी थोड़े से ऊपर नीचे थे, तो इसी वजह से सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर था. क्योंकि पढ़ाई लिखाई जितनी हम करते हैं ये सब कुछ अबाउट एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ, तो वो सोशल मीडिया के साथ नहीं हो पाता. तो बीच बीच में थोड़ा सा टाइम हमें अपने आप को भी देना होता है. और यहाँ पर मैडम हमारी अलास्का घूम रही हैं, इन्होंने कुछ ढूंढा था यहाँ पर. मैंने सोचा नहीं था अच्छे से कि मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगा और ऐसा कुछ उत्तराखंड में, इसलिए मैं कैमराज और प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं लेकर गया था. पर वी गॉट समथिंग वेरी रेयर. तो आप प्लीज़ देखो और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. ओ एवरीबडी, ब्यूटिफुल उत्तराखंड एंड आप मिलो अगामा से. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल अगामा, पूरा अडल्ट नहीं है. मैं थोड़ा जैसे जैसे पास जाऊंगा वो भाग जाएगा, पर यू कैन सी हिम. ओ सी हिम, वो अंदर भाग गया. सो एवरीबडी, आई एम हियर एट उत्तराखंड. उत्तराखंड की बहुत सुंदर वादियाँ और मैं आपको मिलाता हूँ एक जीव से जिसको ऑफन लोग जानते भी नहीं है, उनको पता भी नहीं होता ये रेप्टाइल हमारे भारत में मिलता है. तो मिलिए अगामा से, उत्तराखंड की अगामा. वेरी ब्यूटिफुल रेप्टाइल. अगर आप इसको देखोगे, इसकी आँखों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दे आर क्वाइट डार्क. और ये इस वजह से है क्योंकि एक जुवेनाइल है, ये अडल्ट नहीं है. यहाँ पर बहुत बड़े बड़े भी हैं जो कि बास्किंग करते हुए आपको देख सकते हैं. मैं इसको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, मैं इसको छोड़ दूंगा अभी, क्योंकि आई डोंट नो, इट्स नॉट गुड. अगर हम किसी वाइल्ड एनिमल को ऐसे पकड़ते हैं तो अच्छा नहीं होता. इसको पहले मैं छोड़ता हूँ, फिर हम काफ़ी सारी बातें करेंगे इसके बाद. बेटा चलो इसको हम यहाँ पर अब छोड़ते हैं एंड वी विल कंटिन्यू द जर्नी. देयर इज अक्साना एंड वी हैव प्रतीश भाई आल्सो एंड हियर इज प्रशांत, पीके वाइल्ड लाइफ. ब्यूटिफुल एरिया, ब्यूटिफुल हिल्स.
वेरी नाइस। काफी ज्यादा ऊंचाई पर है ये जगह। एक को पकड़ा है, हम औरों को नहीं पकड़ेंगे। हम उनको दूर से देखकर खुश रहेंगे। और यहाँ पर काफी अग्रेसिव कुत्ते हैं शायद। ब्रो इट्स अ जर्मन शेफर्ड टाइप। ब्रो 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 अभी हम अगामास को देख रहे थे और इतने बड़े बड़े कुत्ते अभी हमारे पीछे भागते हुए आए। ओह शिट, इधर नहीं आगे ले लो प्लीज। तो अगामा वहां पर बैठा है बहुत खुश अच्छे से। और मैं ये बता रहा था कि हम अब पकड़ेंगे नहीं किसी भी अगामा को, है ना। वी डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब एनी एंड इट इज वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पर थोड़ी सी दूर एक गाँव है तो तितोली, तो हम तितोली जा रहे हैं। यस सो लकी टू सी द बोर्ड ऑल्सो। और अगर आप देखोगे क्या सुंदर पहाड़ है। अखरोट फार्मिंग यहाँ पर होती है, वॉलनट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। कैमरा इज सेट, प्रतीश भाई इज नॉट सेट एंड या वी आर गोइंग, डोंट माइंड द क्रैक। ब्रो मैं पैदल देख के आता हूँ एक बार पहले जरा। अरे पैदल भी देख के आओगे तो बैक तो जाएगी नहीं। सही ये भी है, ये भी बात सही है। वेरी थिन, उससे पूछूं आवाज मार के बंदे से। यहाँ से बैक कर लेता हूँ। हाँ थैंक यू। आगे रुक जाओ, चलो उतर जाओ, आगे लेवर लगे हुए काम कर रहे हैं। ओके सो या हम यहाँ पे अभी एक स्टॉप लेंगे। यहाँ पे होगी कार यू टर्न। रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ। ओके सो ये अभी रोड बन रही है और हमें पता नहीं था इसके बारे में। प्रतीश भाई इज मूविंग द कार। तो ऐसे ही स्पीशीज मिलती हैं ये लोग, तो हम इतनी ऊंचाई पर हैं यहाँ पर और इट्स वेरी गुड। थैंक यू नेचर, प्लीज आप यहाँ पर जब भी आओ तो बॉटल मत ऐसे फेंकना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर आप देखोगे तो सामने जो ये पहाड़ है उसका ऊपर का दिख भी नहीं रहा है, बादल इतने ज्यादा आ गए हैं उसके ऊपर। तितोली वो है जिसका हमने बोर्ड देखा था, तितोली इज देयर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एरिया। चलो वहां पे लोग काम कर रहे हैं, चलो लेट्स गो ऑक्सी, वो भी हमें देख रहे हैं। चलो लेट्स गो। हमारा भाई जिंदा है। ओके बाय। बस अब साइलेंट करना है मुझे। सो एवरीबॉडी हम अभी रात को यहाँ पर ठहरे हुए थे एक जगह एंड वी गॉट वन स्टिक इंसेक्ट। ये मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है और लुक एट हिम डांसिंग। They are very funny, बहुत अलग से जीव होते हैं ये। और यहाँ पर इनकी काफ़ी सारे स्पीशीज मिलती हैं। And look at him, he's dancing. ये एक्चुअली में जज कर रहा है कि मेरे सामने क्या है और he's trying to get a picture. और ये eventually jump करते हैं जब ये थोड़े से scared होते हैं, मतलब ये उछलते हैं बहुत दूर। तो अभी ये उछल नहीं रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये comfortable है, which is quite good. अरे गया ना बंदा। सो एवरीबॉडी दीज आर आवर फ्रेंड्स, ही इज मिस्टर बडी एंड ही इज जूनियर बडी एंड दिस इज आवर स्टिक इनसेट। दे ओन दिस शॉप, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शॉप, दे आर वेरी नाइस पीपल, आई लव देम जस्ट लाइक दिस। या एंड दिस इज मिस्टर गाइड एवरीबॉडी। अच्छा दिखाओ ना अपना घर, दिखाओ ना। शाबाश विद माय डॉग। आई वेरी नाइस वेरी।
हमेशा रोते हुए क्यों आते हो बेटा कैमरे क्या उत्तराखंड जैसी जगह ऑब्वियसली वहाँ पर हिमालयाज है एंड इट इज़ अ होम फॉर इंडियन लेपर्ड मतलब इंडियन लेपर्ड तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं वैसे जंगलों के आसपास आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाते हैं पर आजकल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ने कमाल ही किया हुआ है वो उनको अकेला ही नहीं छोड़ते हैं सुबह से लग जाते हैं कैमराज और वो सब लेकर बट या इट्स गुड इट्स ओके जब तक कोई किसी वाइल्ड लाइफ को तंग नहीं करता तब तक बहुत अच्छी बात है सब कुछ और मैं आपको एक अपना सस्ता जुगाड़ दिखाता हूँ तो हमारे पास एक बड़ी टंकी थी जो कि हमने आधी काट दी है ना सबसे ज़्यादा देसी चीज़ यहाँ पर अभी थोड़ी सी इसमें धूल हो गई है पर अगर आप देखोगे यहाँ पर हैं हमारे अल्बाइनो भाई साहब एक्चुअली ये अल्बाइनो से ज़्यादा ल्यूसिस्टिक लग रहा है भाग ही गए हैं मेरे को ना थोड़ा सा इसका फंगस का कुछ करना था अभी इसने दोबारा अपने आप को शायद थोड़ा सा घिस लिया है कहीं बहुत मुश्किल से सही हुई थी ये पर आपको मैं कमाल चीज़ दिखाता हूँ जैसे ये पानी की टंकी हमने रखी हुई है और यहाँ पर मैं टंकी चलाता हूँ ये मछलियाँ फ्लोइंग पानी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं